Hello student, how are you? I hope you are fit and fine. है ना? चल, हमने लास्ट वीडियो में नया अल्फाबेट रू सीखा था, जिसको हम हिंदी में री ऋषि कारी ऐसा बोल सकते हैं, गुजराती में रू ऋषि नोर इवी रीते बोलनी चाहिए। पर आगे आज नए वर्ड सीखेंगे, किस तरह से करना वो सिखाऊंगी। पहले तो ये देख लीजिए, जैसे हम वर्ग कार्य, आपकी वर्ग पे लिखा है वर्ग कार्य, जैसे सी डब्ल्यू करवाते हैं, ग्रुप कार्य मीन्स एच डब्ल्यू, तो ऐसा वर्ड देखना है तो रखा ऊपर है, तो ये चिन्ह है ये किसका है, जैसे ऊपर आएगा वर्ड के ऊपर, देखो ये वर्ड के ऊपर आया है वो र वाला है, अल्फाबेट हमारा कौन सा है, र वाला है, याद रखिए। जैसे कोई वर्ड्स में ऊपर आएगा ऐसा सिंबल तो वो अल्फाबेट र होगा, और जब ऐसे नीचे आएगा, मानो देखो कृति मुझे लिखना है तो मैं यहाँ ऐसा सी लिखूंगी तो ये रू आएगा। हाँ, ये चिन्ह किसका माना जाएगा, रू का। तो कृति ऐसे सिंबल लगाया, कृपा, वृषभ, हाँ फिर ग्रुप मीन्स घर, तो यहाँ नीचे ऐसे रकार लगाया। फिर देखिए यहाँ पे ऊपर से है पर वर्ड से जुड़ा हुआ है, हाँ ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ये बताना चाहती हूँ मैं आप, क्यों ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे है और ये वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, देखो इन दोनों में ऐसा है और ये तीसरे ये वर्ड में ऐसा है कि वो वर्ड से जुड़ा हुआ है। दृश्य लिखना है मुझे तो द्र ऐसे करूंगी, फिर ऐसे द लिखूंगी, देखो वो वाला सिंबल हमारा है ये वाला रुका, वो नीचे था उसको ऊपर मैंने किया तो ऐसे किया है, तो मुझे दृश्य ऐसा मीन्स के सीन ऐसा लिखना है गुजराती में, तो ऐसे ज्वाइन करके ही हमें उसको फिर ऐसे द दड़ा में द पढ़वाना चाहिए, है ना, उसके बाद ऐसे द किया दृश्य, फिर यहाँ देखो दृश्य दृढ़ दोनों वर्ड से मैंने ऊपर ऐसे वो अल्फाबेट के साथ मैच करके किया है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हर अल्फाबेट के साथ ये वर्ड ये रूप आता नहीं है, सबको नहीं लगता, जैसे का है आ है तो आता सिंबल ऐसा है तो सब में लगता है, वो क से लेके क्ष न तक लगता है, पर ये हमारा रूप है वो रूप हर अल्फाबेट को नहीं लगता, कोई अल्फाबेट को लगता है, और ऐसा वाला तो बहुत कम दिखा जाएगा, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा तो वो कौन सा अल्फाबेट मैच हुआ उसके साथ र हुआ है, पर जैसे हम ऐसा लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं, ये दो लिखते हैं ये वाला और ये वाला, तो हमारा कौन सा अल्फाबेट उसके साथ होगा, रू होगा, ये हमें याद रखना है ना। तो देखो और उससे ऋतु से भी वो वर्ड से भी शुरू होता है ऋतु एंड रून। फिर यहाँ हम देखते हैं मुझे वृक्षारोपण लिखना है तो ऐसे करूंगी नीचे ये, तो रूप हो गया हमारा वृक्षारोपण, जैसे मैं बोल रही हूँ वो सुनी पहले वृक्षारोपण। फिर अमृत मुझे लिखना है अमृत, ऐसा हिंदी में अमृत बोलते हैं, गुजराती में अमृत बोलते हैं, तो हम ऐसे नीचे निकालेंगे तो हमारा सही वर्ड्स बन गया। हाँ फिर गृहिणी मुझे लिखना है तो यह तो मैंने ग ऐसा ही रख दिया है, तो गृहिणी मुझे लिखना है तो वहां कौन सा सिंबल लगाऊंगी, हाँ ऐसे छोटा वाला सी ऐसे कर दूंगी जो ये रू वाले का सिंबल है, ओके। फिर मुझे गृह माता लिखना है तो भी मैं वहां ऐसे कर दूंगी तो मेरा गृह माता हो गया। फिर नृप मीन्स राजा किंग लिखना है मुझे तो वापस मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगी, पता चला ना कि ऐसे ऊपर रह थोड़ा ऊपर आएगा तो कौन सा अल्फाबेट यूज हुआ, देखो आपको बड़े हो गए ना तो आपको ध्वनि घटक आएगा, मीन्स कि मैं अपना नाम लिखूंगी, चलो ऐसे मैंने पृथा लिख दिया पृथा, तो ऐसे उसमें कौन कौन से अल्फाबेट हो गए, तो कि प्र फिर रू फिर ये थ आएगा, थ को स्वर निकाल देंगे हम, हाँ स्वर के बिना जब भी वर्ड होता है तो हम क्या करते हैं ऐसा करते हैं, है ना, आपको हम अभी तक से कहते हैं ऐसा, और ये डंडी होगी वो किसकी होगी, आ की होगी, स्वर आ होगा, ऐसे लिखे जाएंगे, है ना। पर मुझे पदार्थ लिखना है, पदार्थ मीन्स कोई चीज, हाँ पानी ले लो पदार्थ में कोई भी, तो मुझे पदार्थ लिखना है तो उसका ध्वनि घटक उसमें कौन कौन से अल्फाबेट हुए है मिक्स और ये वर्ड्स बना है वो देखना है, तो मैं पहले प लिखूंगी, प में हर बार
ऐसा किया तो अ नहीं है, पर ऐसा है तो उसमें अ अल्फाबेट है, हाँ स्वर है उसमें। तो प, फिर ऐसा ग, फिर आ, ये डंडी है उसका हम आ करेंगे, फिर ये थ, और अब थ के ऊपर हमने ऐसा किया है तो थ के ऊपर किया है तो कौन सा अल्फाबेट आएगा, र आएगा, रू नहीं आएगा, वो हमें याद रखना है, कौन सा अल्फाबेट आएगा यहाँ पे, र आएगा, है ना, बराबर, ये थ र, और हमेशा ल के साथ क्या आएगा, अ आएगा, है ना। ये तो बहुत आप बड़े हो जाओगे तब के लिए है, पर मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि ये र और ये रू दोनों के सिंबल्स दिखते हैं एक जैसे, हाँ यहाँ पे ऊपर लिया है पर यहाँ पे ऊपर लेंगे तो ये अल्फाबेट बन जाएगा। आई बात समझ में? अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सीखेंगे, तब तक के लिए इतना ही, चलो बाय बच्चों।